नमस्कार, मैं शेफ निखिल रस्म रसोई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैंने सुना है कि रोज एक अंडा खाइए और अपनी सेहत बनाइए। ये बात आपने भी जरूर सुनी होगी और मेरे दादाजी तो रोज मुझसे यही कहते थे कि निखिल बेटे, अंडा प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है, खास तौर पर बढ़ते बच्चों के लिए। तो चलिए आज हम अंडे से बनने वाली ही ऐसी बेहतरीन डिशेस बनाएंगे अपनी इस रसोई में। शुरुआत करते हैं एग रूलाद से। इसके लिए हमें चाहिए अंडे, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुए मशरूम, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक जो हम यूज करेंगे स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाते हैं एग रूलाद। इसके लिए आपको एक ऑमलेट पैन चाहिए। ऑमलेट पैन एक ऐसा पैन होता है, कोई भी आप घर में यूज कर सकते हैं पैन को, जिसकी जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, वो थोड़ी नीची हो। जितना ऊंचा होगा पैन उतना ही आपको मुश्किल होगी ऑमलेट बनाने में। डालते हैं इसमें वेजिटेबल ऑयल, अच्छी तरह हम नॉनस्टिक पैन को ऑयल से कोट कर लेंगे और इसको स्लो पे रख देंगे। तो चलिए अब इस एग रूलाद के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, दो चम्मच ही मशरूम, दो चम्मच प्याज, धनिया एक बड़ा चम्मच और मिर्च करीब आधी चम्मच, और इस सब को हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। देखिए कितनी कलरफुल और फ्लेवर से भरी हुई इसकी स्टफिंग है। सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। चलिए अंडे तोड़ लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा दूध डालना चाहते हैं, थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए और एग की स्मेल थोड़ी कम करने के लिए, तो डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें मक्खन डालना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा मक्खन का फ्लेवर आए, वो बटरी फ्लेवर जो होता है, तो इसी वक्त आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। और दूध डालने से ये भी है कि अंडा थोड़ा फ्लफी बनेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा एग रूलाद फ्लफी बने, इसलिए हम इसमें दूध नहीं डाल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा तेल गरम हो रहा है। वैसे ये एक तरह का ऑमलेट ही है, लेकिन ये एक स्टफ्ड ऑमलेट है। इसको हम ऑमलेट बना के उसमें रोल करेंगे। बच्चों को आप कहेंगे कि हमने आपके लिए ऑमलेट बनाया, तो बहुत बोरिंग लगता है कि आज भी ऑमलेट। लेकिन अगर आप ऑमलेट को इस तरह से उनके सामने पेश करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब इसमें डालते हैं ये अंडे का मिक्स जो हमने बनाया है, लेकिन सारा नहीं, सिर्फ एक अंडे का। अच्छी तरह आप इसे फैला लीजिए। अंडे को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका जो प्रोटीन होता है वो गर्म सरफेस पे पड़ते ही पक जाता है। तो देखिए एक तरफ से पक भी चुका है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे इस तरह से, सब धीमी आंच पे। देखिए थोड़ा सा कलर भी आ गया इस पे। अब हम इस पे डालेंगे जो मसाला हमने यहां डाला है, थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर डालते हैं ये स्टफिंग। देखिए अब इसे एक तरफ से उठाइए। और इसको इस तरह से रोल कर दीजिए। तैयार है हमारा एग रूलाद। ये देखिए, ऐसे आप कितने भी एग रूलाद बना सकते हैं और उसमें कितनी भी स्टफिंग भर सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद है। तो तैयार है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही जल्दी पकने वाली और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन आपके बच्चों के लिए एग रूलाद। एग रूलाद बनाने के लिए आपको चाहिए तेल 2 बड़े चम्मच, कटा हुआ टमाटर 2 छोटे चम्मच,
कटे हुए मशरूम्स 2 छोटे चम्मच, बारीक कटी हुई प्याज 2 छोटे चम्मच, कटा हुआ हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, अंडे 2, नमक स्वादानुसार। स्टफिंग बनाने के लिए एक कटोरी में कटा हुआ टमाटर, मशरूम और प्याज लें। इसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्च मिलाएं, स्वाद अनुसार नमक भी मिलाएं। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लें। 2 अंडों को अच्छी तरह फेंटें और पैन में तलें। स्टफिंग को अंडे पर प्लेस करें और रोल करें। एग रूलाद तैयार है।